गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने फिजिक्स में पढ़ा था डेरिवेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन या फिर एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमें एक्चुअल फार्मूला निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या लिया, वी टेक ए प्राइमरी सोलेनम, एक हमने प्राइमरी सोलेनम लिया थ्रू विच करंट फ्लोइंग इज आई वन, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें से आई वन, एंड ए सेकेंडरी सोलेनोइड इज वाउंडेड ऑन इट। इस पे क्या लपेट दिया हमने, एक सेकेंडरी सोलेनोइड लपेट दिया इस पे, इज वाउंडेड ऑन इट। बोथ आर वेल इंसुलेटेड टू ईच अदर, दोनों क्या आपके या ये एक दूसरे से वेल इंसुलेटेड है। यहीं तक दिखा लेते हैं इसको, ये आपकी प्राइमरी किटरन है, पी वन पी टू शो कर दिया यहां तक आपका, और ये आपका सेकेंडरी है एस वन एस टू, यहां शो कर देते हैं। अब प्राइमरी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, ए वन से शो कर दिया, और सेकेंडरी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है आपका, इतना, यानी सेकेंडरी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, प्राइमरी का क्या है कम है, ए टू ग्रेटर देन ए वन, या फिर ये कह सकते हो प्राइमरी की थिकनेस ज्यादा है, मोटी क्वाइल है, और सॉरी सेकेंडरी की क्वाइल मोटी है, थिकनेस ज्यादा है, प्राइमरी की क्या आपकी थिन है, पतली है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सीधा हम मतलब किससे होता है, थिकनेस से, जितनी ज्यादा थिकनेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, थिकनेस कम तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम। जैसे ये आपका एक तो पेन ले हम और एक मार्कर ले, तो इनमें से थिकनेस किसकी ज्यादा, मार्कर की ज्यादा है बेटा, तो मार्कर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, पेन का क्या होगा, कम होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है, जो ये गोलाई है इसकी, इसको हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो जो टर्म ली है हमने यहां पे लिख दी, हमने क्या लिया, सेकेंडरी सोलेनोइड वाउंडेड ऑन द प्राइमरी, सेकेंडरी लिया, इस पे वाउंड है प्राइमरी पे आपका, दोनों की लेंथ बराबर है, हैविंग इक्वल लेंथ ईच एंड, वेल इंसुलेटेड आपके एक दूसरे से, करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कितना है आई वन है, सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया प्राइमरी का आई वन सेकेंडरी का ए टू, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एन वन और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ आपकी एन टू, स्मॉल लेंथ है आपकी, तो टोटल टर्न प्राइमरी में क्या हो जाएंगी, एक लेंथ में तो कितनी है एन वन, तो टोटल लेंथ एल है, तो टोटल टर्न क्या हो जाएंगी आपकी एन वन इक्वल एन वन इन टू एल, कैपिटल एल से शो करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न को, सेकेंडरी में निकालेंगे तो सेकेंडरी की जितनी टर्न है आपकी एक लेंथ में इंटू टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से हमने कुछ अंदाजा नहीं किया है। अब आप देखिए प्राइमरी में आपका आई वन करंट फ्लो कर रहा है बेटा, तो अगर करंट फ्लो करेगा सोलेनोइड में से तो क्या प्रोड्यूस होगी, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी आपकी, नाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड प्राइमरी सोलेनोइड विल बी, कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इसमें आपकी, मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होती है, म्यू नॉट एन आई, तो इसमें टर्न कितनी है पर यूनिट लेंथ एन वन, करंट कितना है आई वन, बी वन से शो कर दिया। अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका कुछ ना कुछ फ्लक्स भी होगा, अब इसका फ्लक्स निकालो, अब मैग्नेटिक फ्लक्स हो वन टर्न या फिर ईच टर्न ओ प्राइमरी सोलेनोइड इज गिवन बाय, प्राइमरी की एक टर्न का फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसको शो किया हमने फाइ वन डैश से, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी बी वन इंटू ए वन, बी वन की वैल्यू पुट कर दो म्यू नॉट एन वन आई वन,
तो ये आ गया आपका म्यू नॉट एन वन आई वन इंटू ए वन। ये किसका आ गया आपका फ्लक्स प्राइमरी की एक टर्न का। अब आपके दोनों सोलेनोइड क्या हाफ पे एक दूसरे से वेल इंसुलेटेड है, तो जितना एक टर्न का फ्लक्स प्राइमरी का होगा उतना ही एक टर्न का फ्लक्स किसका होगा सेकेंडरी का होगा, यानी दोनों का एक टर्न का फ्लक्स बराबर होगा। एच प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोलेनोइड्स पी वन पी टू एंड एस वन एस टू आर वेल इंसुलेटेड, आर वेल इंसुलेटेड टू ईच अदर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ईच टर्न या फिर वन टर्न ऑफ बोथ सोलेनोइड्स विल बी इक्वल, दोनों सोलेनोइड का क्या होगा बराबर होगा, यानी आपका सेकेंडरी की एक टर्न का किसके बराबर हो जाएगा प्राइमरी की एक टर्न के बराबर हो जाएगा, यानी यह आ जाएगा आपका म्यू नॉट एन वन आई वन ए वन। ये थर्ड इक्वेशन होगी आपकी। अब क्या निकालो, जो सेकेंडरी सोलेनोइड है उसका टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे हम। नाउ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो ऑफ सेकेंडरी सोलेनोइड इज गिवन बाय, तो सेकेंडरी का टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका फाइव टू इक्वल एक टर्न का कितना है फाइव टू डैश, टोटल टर्न कितनी है एन टू, तो एन टू से मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू पुट कर दो इनकी। फाइव टू डैश ये है आपका म्यू नॉट एन वन आई वन ए वन इन टू एन टू कितना है स्मॉल एन टू इंटू एल, यानी फाइव टू आ गया आपका म्यू नॉट एन वन एन टू को हमने इकट्ठा लिख दिया ए वन एल आई वन। यहां तक हो गया आपका। अब ये तो फ्लक्स किससे आया है आपका डेफिनेशन से कि फ्लक्स क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म में निकालेंगे फ्लक्स को। इफ एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ गिवन पेयर ऑफ सोलेनोइड्स, ऑफ गिवन पेयर ऑफ सोलेनोइड्स यानी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के लिए आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है कलेक्टिवली कैपिटल एम है, ऑफ गिवन पेयर ऑफ सोलेनोइड्स। Then we have, तो क्या हो जाएगा आपके पास फाइव टू इक्वल एम इंटू आई वन। ये हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस के डेफिनेशन में पढ़ा था जब डिफाइन किया था। दोनों फ्लक्स किसके हैं सेकेंडरी के, वैल्यू इक्वल होगी तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड या फिर फोर्थ एंड फिफ्थ वी है, ये लिख सकते हो इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ गिव्स एम इंटू आई वन इक्वल म्यू नॉट एन वन एन टू ए वन एल इंटू आई वन, आई वन से आई वन कैंसल और एम इक्वल म्यू नॉट म्यू आर एन वन एन टू ए वन एल। आ गई आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन। फिर आपका इफ
देयर इज ए मेटालिक कोर ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर देन वी हैव तो क्या हो जाएगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस इसको म्यू आर से और मल्टीप्लाई कर दो आपका म्यू नॉट म्यू आर एन वन एन टू ए वन इंटू एन तो ये क्या है आपका दिस इज द डेरिवेशन या फिर एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें आगे अगर हमें ये बताना है कि किन फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा और किन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा तो जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में लिखा था बताया था हमने लास्ट लेक्चर में एक तो आपका नेचर ऑफ मेटालिक कोर के जो मेटालिक कोर है जिसके ऊपर हमने सोलेनोइड को लपेटा है यानी ये मेटल की कोर ले ली हमने रोड ले ली मेटल की इस पे प्राइमरी कवाइल लपेटी प्राइमरी सोलेनोइड लपेट दिया हमने फिर इंसुलेशन दी इसको फिर सेकेंडरी सोलेनोइड वॉल्व कर दिया तो ये इसको हम क्या कहेंगे मेटालिक कोर का नाम देते हैं इसको तो नेचर ऑफ कोर पे डिपेंड करेगा कि कौन सी मेटल के लिए है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ प्राइमरी सोलेनोइड पे डिपेंड करेगा एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंडरी सोलेनोइड पे और किस पे डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ सोलेनोइड दोनों की बराबर ले ली हमने लेंथ और प्राइमरी की लो या सेकेंडरी की कोई से भी मान के चल सकते हो इसको और किस पे डिपेंड करेगा ए वन पे यानी प्राइमरी सोलेनोइड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे अब डिपेंड किस पे नहीं करेगा एक तो प्राइमरी में कितना करंट फ्लो कर रहा है उस पे डिपेंड नहीं करेगा दूसरा किस पे डिपेंड नहीं करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकेंडरी सोलेनोइड पे डिपेंड नहीं करेगा थर्ड किस पे डिपेंड नहीं करेगा ना यहाँ पे कैपिटल एन वन है ना कैपिटल एन टू यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इनकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करेगा तो ये था आपका आज का टॉपिक डेरिवेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस और किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है किन पे नहीं करता ये बताया आपको अगर फॉर्मूले को हम चेंज कर दें स्मॉल एन को अगर कैपिटल एन में चेंज कर दें तो क्या होगा अब यहां से देखो मैं इसे में डायरेक्ट लिख रहा हूं एन वन क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एन वन बाई एन और यहां से स्मॉल एन टू निकाले तो कैपिटल एन टू बाई एन ये वैल्यू पुट कर दो एन वन एन टू की जो आ गई आप एम क्या है आपका म्यू नॉट म्यू आर स्मॉल एन वन की जगह कैपिटल एन वन बाई एल इंटू एन टू की जगह कैपिटल एन टू बाई एल ए वन एल और तो एम आ जाएगा ये आपका एक एल से एल कैंसिल म्यू नॉट म्यू आर एन वन एन टू ए वन बाई एल अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग डिपेंडेंस बताएं यहां लेंथ ऑफ सोलेनोइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था यहां पे इनवर्स यहाँ आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है दोनों सोलेनोइड की यहाँ पे इस पे डिपेंड कर रहा है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है पर यूनिट पे डिपेंड नहीं कर रहा अगर आपको फार्मूला दे रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ किन पे डिपेंड करता है किन पे नहीं आपका और अगर आपको फॉर्मूला नहीं दे रखा तो आपने इसके अकॉर्डिंग बताना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताना है अगर आपको फॉर्मूला नहीं दिया गया है और आपसे पूछ लिया कि किन फैक्टर पे डिपेंड करता और किन पे नहीं तो इसके अकॉर्डिंग बताएंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक यू एंड लाइक कमेंट शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी होगी क्या अच्छी तरह से समझ में आ रहा है क्लियरिटी है वीडियो में ओके कमेंट्स में जरूर बताना बेटा थैंक यू हैव ए नाइस डे गॉड ब्लेस यू